गणतंत्र एक ऐसा शब्द जिसे हम अधिकतर आधुनिक संदर्भ में ही लिया करते हैं और यह मान लिया जाता है कि यह तो पश्चिम की ही देन है। हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते भी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर हम आपको ये कहें कि विश्व को पहला गणतंत्र भारत ने ही दिया था तो नहीं, यह अतिशयोक्ति नहीं है। यह सत्य है कि भारत लंबे समय तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। यह भी सत्य है कि इस देश में आपसी फूट के कारण कई बार भारत माता की पीड़ा और बढ़ी, परंतु कई कटु सत्य मिलकर भी हमारे स्वर्णिम अतीत को झुठला नहीं सकते, और यही सत्य है। सत्य तो यह है कि इस देश में हमेशा से लोकतंत्र की परंपरा रही है और इस देश ने विश्व को पहला गणतंत्र दिया है। चलिए आज हम बात करते हैं इसी गणतंत्र को देने वाले गणराज्य की। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात करेंगे वैशाली गणराज्य की। आज के बिहार का वैशाली गणराज्य ही विश्व का प्रथम गणराज्य था। आज के भारत को सशक्त बनाने वाले प्रतीक इस सत्य को उजागर करते हैं। बात करते हैं अशोक स्तंभ की, जो कि वैशाली में है, और कोलू में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया यह है अशोक स्तंभ, जिसके शीर्ष पर एक शेर बना है। वैशाली का यह स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित दूसरे स्तंभों से बिल्कुल अलग और शुरुआती स्तंभ है। खुदाई द्वारा मिले इस बेलाकार स्तंभ की ऊंचाई 18.3 मीटर है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिस पर उनका कोई अभिलेख नहीं। इसके बाद आता है राजा विशाल का गढ़। अशोक स्तंभ के नजदीक ही है ये। खुदाई में एक बहुत ही बड़ा टीला भी मिला। इसकी परिधि 1 किलोमीटर है और इसके चारों ओर 2 मीटर ऊंची दीवार है। इसके चारों ओर 43 मीटर चौड़ी खाई भी है। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में यहाँ संसद हुआ करती थी, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना और उस पर बहस भी की जाती थी। इसके बाद आती है अभिषेक पुष्करणी। यह वैशाली गणराज्य द्वारा तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व मिलने वाला एक सरोवर है। ऐसी मान्यता है कि इस गणराज्य में जब भी कोई नया शासक चुना जाता था तो उनको यहीं पर शासक बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी, यहीं पर अभिषेक करवाया जाता था। इस पवित्र सरोवर के नजदीक ही जापान के निप्पोंजी बौद्ध समुदाय द्वारा बनाया गया विश्व शांति स्तूप है। गोल घुमावदार गुंबद, अलंकृत सीढ़ियां और उसके दोनों ओर स्वर्ण रंग के यानी स्वर्णिम सिंह आपको दिखेंगे, जैसे लगता है कि ये पहरेदार शांति स्तूप की सुरक्षा कर रहे हैं। सीढ़ियों के ठीक सामने ध्यानमग्न बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा है, जिसके चारों ओर भिन्न भिन्न मुद्राओं में बुद्ध की दूसरी प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ पर है बावन पोखर मंदिर। बावन पोखर मंदिर के उत्तरी किनारे पर बना एक पालकालीन मंदिर है, जहां पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। बौद्ध स्तूप जो है यहाँ पर, उनका पता 1958 में खुदाई के बाद चला था। इसका महत्व भगवान बुद्ध के जो राख है, मतलब
उनको पाए जाने की वजह से और बढ़ गया। बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है और बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये कहानी थी वैशाली गणराज्य की। गर्व कीजिए अपनी परंपरा पर, अपने इतिहास पर और अपनी धरोहर पर। अगली बार नई प्रस्तुति के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।